कृष्णा ने दी अपने पुराने दोस्त प्रशांत को जादू की झप्पी। प्रशांत ने करवाई कृष्णा के पापा की जमानत। बेकार गई राधे की सारी मेहनत। क्या कृष्णा और राधे की स्टोरी में आने वाला है कोई बिग ट्विस्ट? सीरियल कृष्णा चली लंदन में देखने को मिल रहा है आज हाई वोल्टेज ड्रामा। अब देखिए ना, धीरे धीरे कृष्णा के दिल में भी राधे के लिए जगने लगी थी प्यार वाली फीलिंग्स। लेकिन अब लगता है कि कहानी में आ गया है एक बिग ट्विस्ट। जी हाँ, अभी तो कृष्णा और राधे की लव स्टोरी की सिर्फ बिगिनिंग हुई थी, लेकिन लगता है कि इस मेजर ट्विस्ट के बाद होने वाला है बड़ा बवाल। दरअसल शुक्ला जी ने कृष्णा के पापा पर झूठा केस करके उन्हें हवालात भिजवा दिया था और पुलिस दुबे जी की जमानत के लिए 10 लाख रुपए मांग रही थी। इस बात से कृष्णा थी बेहद परेशान। ऐसे में राधे ने अपनी जान पर खेलकर 10 लाख की अरेंजमेंट की थी। लेकिन राधे की सारी मेहनत पर फिर जाता है पानी, क्योंकि जब जमानत की रकम लेकर राधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां तो दुबे जी की पहले ही जमानत हो गई है। तुम बहुत अच्छी समस्या आए प्रसाद बाबू। हम तो ढूंढ रहे थे कोई भगवान का भैया जो हमें मदद करे, और तुमने मदद कर ली। हम तो शुरू से कह रहे हीरा है, हीरा एकदम हीरा। इस तरह का इंसान कहाँ देखने को मिलता है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ये, अरे ना रिश्तेदार है ना जिम्मेदार। फिर भी तुम्हें मदद कर ली, खुश रहो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस शख्स ने दुबे जी की जमानत करवाई है वो कोई और नहीं बल्कि कृष्णा का पुराना दोस्त है। उससे भी शॉकिंग बात ये है कि प्रशांत कृष्णा को शादी से पहले पसंद करता था। बस फिर क्या था, अपने पापा की जमानत होते देख कृष्णा प्रशांत को खुशी से गले लगा लेती है। ये सब देखकर राधे का हो रहा है बुरा हाल कि आखिर ये शख्स है कौन। भाई राधे अभी तक इस शख्स से अनजान है। आइए राधे से ही जानते हैं पूरे सीन के बारे में। ये मैंने खुद नहीं करवाई है। क्या होता है कि बेल के पैसे मुझे कहीं से नहीं मिल रहे होते हैं, ब्याज पे बैंक लोन सब करके देख लेता हूँ, कहीं से नहीं मिलता है। फिर मैं पिटता हूँ, मतलब रिंग में उतरता हूँ, फाइट करता हूँ, तो वहाँ पे पिटने के पैसे मिलते हैं। तो 15-20 मिनट पिटता हूँ, 10 लाख कमाता हूँ, बेल वेल के पैसे इकट्ठे होते हैं, मगर बेल हो नहीं पाती है मुझसे। राधे आप तो किसी तरह 10 लाख की अरेंजमेंट कर लाए, लेकिन आपकी मेहनत पर पानी फिर गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या होता है कि अब रास्ता हमेशा तो स्मूथ तो होता नहीं है कि यार मतलब चलो गाड़ी अच्छे से चल रही है, चलती जाए। अब गाड़ी खराब भी होती है, उसकी मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है। तो जिंदगी ऐसी ही है, बड़ी अच्छी चल रही थी मेरे, मतलब मैंने कूदा तो कृष्णा जी मान गई, मैंने बहुत सारी जो भी चीज़ें करने की कोशिश की वो कृष्णा जी मतलब मान जाती थी। तो अभी कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो मुझे टक्कर दे कि यार भाई बेटा हम भी हैं, तो हम भी दिखाएंगे यार, कोई बात नहीं कर लो, ये सब करते हैं अभी, तुम्हें भी निपटा देंगे। राधे उस शख्स से आप अनजान हैं, क्या होगा आपका रिएक्शन जब आपको उसके बारे में पता चलेगा? शॉक मतलब अभी अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है यार। मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, कजन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, किसी चाचा ताऊ का जो भी, मतलब अभी ये नहीं पता कि कौन है। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर तो नहीं, फिर नहीं। अगर मैं पापा अपने पापा के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ तो फिर ये तो तीसरा कोई लड़का है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा शो को अच्छी टीआरपी मिल रही है, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा प्यार दीजिए, आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। वेल क्या होगा शो में आगे जब राधे को पता चलेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ का एक्स लवर है। वेल आगे शो में जो भी होगा उसकी अपडेट यूमी और टीवी आपको सबसे पहले देगा। मुंबई से अक्षय अगवानी सिद्दीकी की रिपोर्ट E24।